हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विडांश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि इस साल बाबर आजम का अप्स एंड डाउन दोनों देखने को मिला है। मतलब इस साल उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं। ये बाबर आजम के करियर की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने 2022 में सबसे ज्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। लेकिन एक और बात है इसमें कि उन्होंने इसी साल अपना सबसे बुरा फॉर्म भी देखा है, सबसे बुरा प्रदर्शन भी किया है एशिया कप में और T20 विश्व कप में। तो बाबर आजम के खाते में, बाबर आजम के हिस्से में दोनों चीजें आ गई हैं, सुख दुख दोनों देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं सुख की। इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन तो किया ही है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तोड़े भी हैं, और आज एक और बड़ा रिकॉर्ड जो है बाबर आजम ने तोड़ दिया है पाकिस्तान के लिए। दरअसल एक साल में, एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। मिसबाह उलहक जो कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान थे, कोच भी रह चुके हैं, चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, तो मिसबाह उलहक के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। मिसबाह उलहक ने साल 2013 में 22 50 प्लस स्कोर किया था और उसके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बाबर आजम अब इस साल उनके ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 23 50 प्लस स्कोर किया है। इसके अलावा सईद अनवर का यह पहला रिकॉर्ड था, उन्होंने 20 50 प्लस स्कोर जो है उन्होंने साल 1996 में किया था। इसके बाद इंजमामुल हक ने भी सईद अनवर के इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी, उन्होंने साल 2000 में 20 बार 50 प्लस स्कोर किया था। तो बाबर आजम ने अपने पूर्व जितने भी कप्तान रहे हैं जो पाकिस्तान की ग्रेट्स रहे हैं उनको पछाड़ दिया है और इस साल 23 50 प्लस स्कोर तो बना ही दिया है। धन्यवाद।